सो गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी हम लोग हैं गाइज मथुरा में और अब मथुरा से हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, जो कि यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर पे है। और मथुरा में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को था नहीं, जैसा कि आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा, क्योंकि कुछ कुछ टेम्पल्स में अलाउड नहीं था कैमरा ले जाना, इसलिए हम आपको उतना अच्छा नहीं दिखा सके। बट फोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको जितना मैं एक्सप्लेन कर पाया अपने हिसाब से कर दिया। अब चलते हैं वृंदावन में। हाँ, बाहर से भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह। किसकी तरह? मेरी तरह। हाँ बिल्कुल, इन्हीं की तरह जैसा प्यारा है, इन्हीं जैसा प्यारा है। एक तो ये आज गाइस फिर ये लेट उठी, कहाँ गई, कहाँ गई लड़की, कहाँ गई? ये देखो, ये आज लड़की फिर लेट हुई थी। और आप एक चीज देख सकते हैं, उठो उठो, आज हम दोनों ने एक, आज मिस्टर मिसेस कार्टून ने अपनी ऑफिशियल टी शर्ट पहनी, मुंह पे क्लिक करो। एक्चुअली इसमें ये रूम थोड़ा सा बड़ा था, तो इसमें हम अंकुर, वैभव यादव और प्रिया, ये तीन लोग यहाँ पे स्टे किए थे। ये किसी प्रकार का हनीमून ना कहा जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हनीमून था नहीं। लगाया, तैयारी हो गई, अभी जा रहे हैं। नानी तैयारी हो गई, वृंदावन चलने की, चलो चले। बस वो अंकुर बाबा यादव तैयार हो जाए। इसका कुल मिला के ये है कि अगर आप मथुरा पे स्टे करते हैं तो फिर एक दिन के करिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ खास घूमने वाला नहीं, जन्मभूमि है और एक दो मंदिर हैं, कंसकिला भी है, मतलब वो आप देख ही चुके हैं वीडियो में, मतलब एक सिर्फ एक मतलब दीवार टाइप से खड़ी, उसके अंदर कोई बंदर वंदर है, खंडार टाइप वाला है, क्योंकि एक्चुअली में उसको उतना टूरिस्ट प्लेस इन्होंने बनाया ही नहीं, तो घूमने लायक कुछ बचा नहीं था, तो हम लोग भी बोट से ट्रेवल करके वापस आ गए थे। तो पानी यहाँ का बहुत खारा, stop this world from spinning like Superman, you were the only one to find the strength in all. So guys, as usual, जो checking timing था वो 11 बजे था, इस वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे एक से एक, वहाँ रात में भी हम लोग जाएंगे, रात का, हाँ रात का और दिन का दोनों का आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने प्रेम मंदिर रोड पर, एक स्पेशल जगह है चाट चौपाटी, जहाँ पे बहुत बढ़िया चाय मिलती है, ऐसा लोगों ने बताया है यहाँ पे। और ये आप व्यू देख सकते हैं प्रेम मंदिर का। गाइस ये है फेमस चाट चौपाटी वृंदावन की, जहाँ आप सुबह उठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं। अगर आप घूमने आते हैं प्रेम मंदिर, तो जस्ट प्रेम मंदिर के सामने पड़ती है चाट चौपाटी। बाकी खाने के बाद आपको टेस्ट बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तुम का देखा तो चाय इतनी देर से चाल ये आया, अच्छी लग रही है। नोटिस कर रहे, अच्छी लग रही है, नोटिस कर रहे तुम, अच्छी नहीं लग रही है, कब देखी थे प्यारे, हाँ कब प्यारे हो इनकी, हम कर नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया लग रही। दादा कितने साल से काम कर रहे हो? 15 साल। हमको सबसे अच्छी चाय लगी यहाँ की, वो भी बाबा चाय गलका और जो नारियल की चटनी थी, दोस्त क्या अच्छा लगा? डोसा अच्छा लगा। नानी तुम डोसा अकेले खाए तो हमसे क्या अच्छा लगा? हमका सब चीज अच्छी लगी। हाथ काहे धो रहे हो नानी? नानी से पूछे क्या अच्छा लगा? नानी के भैया हमको तो सब अच्छा लगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर पे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माइक और ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ सही से आ रही कि नहीं आ रही है, मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही होगी, बट कोशिश करेंगे कि आपको पूरा प्रेम मंदिर हम एक्सप्लोर कर पाएँ। प्रेम मंदिर यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि ये उस टाइप का प्रेम नहीं जो हम लोग करते हैं, प्रेम मतलब यहाँ पे इसीलिए, हाँ सेम आज इसीलिए पहन गए हैं, क्योंकि प्रेम मंदिर है यहाँ पे, सिर्फ प्रेम की बातें होंगी, लेकिन ये फोड़ते वाले प्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एकदम शाश्वत, ये जो ओरिजिनल वाला होता है, वो वाले प्रेम की बात कर रहे हैं। और ये आई थिंक बना है, आई थिंक क्या मतलब, ये बना हुआ है संत कृपालु जी महाराज जो हैं उनकी याद में मंदिर बना हुआ था, जैसा कि आप सब लोग टीवी पे देखते होंगे कि जो कृपालु जी महाराज हमारे अंकुर वैभव यादव जी आए हैं अपना एक शॉट लेकर वो दिखाने हम लोगों को, शॉट बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यानी मंदिर का राइट साइड है और इस तरफ से एंट्री होती है, वो जो साइड जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ से बैरिकेडिंग लगी थी, क्लोज था आई थिंक कोविड की वजह से। और गाइज ये जितना खूबसूरत इस समय दिख रहा है ये उससे कहीं ज्यादा है, अगर आप इसको एक्चुअल में आके देखोगे आपको एक बार यहाँ पे आके जरूर विजिट करना चाहिए। तो गाइज ये जो मैंने आपको पूरा दिखाया था ये बाहर का व्यू था, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर
और अगर फोटोग्राफी नहीं अलाउड है तो नहीं दिखा सकते। नहीं अलाउड है चुप तो चुप किसे ले लेंगे देखते हैं वो गार्ड खड़ा हुआ है शायद वो मना कर सकता है। मना कर सकता नहीं अभी मना कर देगा अगर अभी कर दिया। खुद ही देखेंगे कि मना चलो अभी बंद कर रहे strength in all that I was dealing.